Hi guys, assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. देखिए guys, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पापा आ गए हैं मुंबई से, कल ही आए हैं. तो मैं सोची कि आज व्लॉग शूट कर लेती हूँ. अभी मैं सीढ़ियों पे चढ़ के आ रही हूँ guys, इसीलिए हफ रही हूँ. और देखिए मेरा बाबू, मेरा इजान, मेरा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है. पापा इसे छोटे वाली बॉटल से पानी पिला रहे थे अभी, लेकिन इसकी जिद है बड़े वाले बॉटल से इसको पीना है. गाइस मेरे पापा को देखिए, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ पापा कल आए हैं 17 डेज पे मुंबई से गाइस, और इनका ट्रीटमेंट वहाँ पे चल रहा था. जैसे कि हर व्लॉग में मैंने आप सबको बताया है, इन्फॉर्म किया है हर दिन कि इनका ट्रीटमेंट वहीं टाटा मेमोरियल से चल रहा है. और PSA तो गाइस बढ़ रहा है, बट हाँ जैसे ट्रीटमेंट चेंज हुआ है, दवाएं चेंज हुई, तो अभी 5% के इससे बढ़ रहा है. वो पहले तो 17 से सीधे 40 हो गया था, क्योंकि डॉक्टर ने पापा को हॉस्पिटल में वहाँ पे नवंबर में बुलाया था, दिसंबर में बुलाया था, और पापा ने जनवरी में रिपोर्ट किया. इसीलिए पापा का, ये मेरी मम्मी है. मम्मी बोली हाय. हाय गाइस. हाय हाय. तो गाइज इसीलिए पापा ने जब जनवरी में रिपोर्ट किया तो पापा का PSA ज़्यादा ही बढ़ गया. अभी 45 पे है. आप सबसे हाँ हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह. हाँ हाँ बेटा खेलिए खेलिए. तो गाइज आप सबसे रिक्वेस्ट है, जहाँ जहाँ तक मेरे वीडियोस पहुँच रहे हैं, जहाँ जहाँ पे आप सब मेरे वीडियोस देख रहे हैं, कि मेरे पापा के लिए आप सब दुआएं करिए. नमाज में, कुरान में आप सब दुआएं करिए मेरे पापा के मुकम्मल शिफा के लिए, उनके हयात में खैर बरकत के लिए गाइस. और मेरे व्लॉग्स आप सब देखा करिए गाइस. रिदा हयात व्लॉग्स को आप सब सब्सक्राइब कीजिए, रिदा शमा चैनल को भी. अरे बड़े वाली बॉटल के लिए रो रहा है, बड़े वाली बॉटल के लिए रो रहा है. ले आइए रिदा. रिदा अच्छा, जैसा नानू बोल रहे वैसा करिए. आप सबसे दुआ की गुजारिश है गाइस, कि आप सब प्लीज़ मेरी प्यारी सी फैमिली को सलामत रखने के लिए आप सब दुआ कीजिए, कि अल्लाह ताला मेरे पापा के हयात में खैर बरकत दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, कैंसर से मुकम्मल निजात दे दे, कैंसर से अल्लाह ताला मुकम्मल निजात दे दे. देखिए मेरा प्यारा सा बाबू, जब से इसके दादू आए हैं गाइज ये बहुत खुश है. देखिए मेरे पापा ने ये सारा पूरा कालीन बिछाया है छत पे. आज से पहले जितना भी मैंने व्लॉगिंग की है छत से, आपको कालीन नहीं दिखा होगा गाइस, क्योंकि मेरे पापा ही ये सब करते हैं. सारे पौधों की सेवा, सारे पौधों की देखभाल. अब जब पापा ही नहीं थे 17-18 दिन से, तो सब कुछ बिल्कुल ही, घर से सुकून ही उड़ गया था गाइस. क्या बताऊँ आप सबको, आप सब तो समझ सकते हैं, आप सबके मम्मी पापा हैं और अल्लाह उन्हें हमेशा रखे भी. तो घर में ना सुकून था. मेरे बाबू को कितना स्वेटिंग हो रहा है, देखिए गाइस मेरे बाबू को. चलिए गाइस खुशी है मुझे. देखिए गाइस मेरा बच्चा कैसे बातें करता है, माशाल्लाह. जी दिख रहा है मेरा, हाँ मेरा उंगली दिख रहा है. नहीं 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 दिख रहा है. कहाँ पे? ये सब कुछ ना कुछ ये करती है. बेटा बेटा देखिए गाइस मेरा बच्चा दुनिया में, पता है गाइस आपने, दुनिया में इतना प्यारा बच्चा आपने नहीं देखा होगा जितना प्यारा मेरा इजान है गाइस. अपने से किसको दे रहा है माशाल्लाह. तो गाइस प्लीज आप सब मेरे व्लॉग्स को देखा करिए, मेरी फैमिली के व्लॉग्स, मेरे इजान के व्लॉग्स, मेरी रिदा के व्लॉग्स, मेरी मम्मी, मेरे पापा के व्लॉग्स, और मेरे जिम के व्लॉग्स तो मैं अपलोड करती ही हूँ, मेरे वर्कआउट के. जल्दी देखो फिटनेस वर्ल्ड खत्री मार्केट. हाँ बेटा सब मैं शूट कर रही हूँ. मेरे छोटे भाई का जिम है गाइस, फिटनेस वर्ल्ड जिम खत्री मार्केट में. जी पापा मोबाइल छूट गया जिम में. मैं जा रही हूँ अभी, तो मैं लेते आऊँगी इंशाल्लाह ताला. बस मैं निकल रही हूँ इंशाल्लाह बाबू को यहीं पे छोड़ के. तो गाइज मेरा जो छोटे भाई का मेरा जिम है फिटनेस वर्ल्ड खत्री मार्केट में महेंद्रू पटना, वहाँ का भी व्लॉग्स शॉर्ट्स सब मैं अपलोड करती हूँ, आप सब देखा करिए. नहीं बेटा, हाँ उसे चक्कर आ जाएगा ना. गाइज देखिए कितना जल्दी. रिदा कह रही है कि आस पड़ोस के दिखाइए आपके सारे मकान बन रहे हैं. देखिए गाइस मेरा बाबू, मेरा बच्चा
बाबू बाबू इजान से हाय अस्सलाम वालेकुम, आपकी पिटाई करूं? अरे देखिए देखिए गाइस, देखिए देखिए गाइस कैसे बोलता है मेरा बच्चा, ना बेटा पिटाई करूं? ना देखिए गाइस, मेरा बाबू 18 महीने का बच्चा है गाइस, और इसको अगर आप कहेंगे पिटाई करूं इजान, ओ बी केयरफुल कम हियर, तो बोलता है ना बाबू आप घूमने घूमने जाइएगा, ना